माहिरा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं लोगों का फ्यूचर लिख सकती हूँ, उनकी किस्मत बदल सकती हूँ, तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगी? तुम फ्यूचर लिख सकती हो? यस। अरे तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैंने किसका फ्यूचर लिखा है? अच्छा एनीवेज, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, मैंने प्रीता का फ्यूचर लिखा है। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि सब कुछ खुद ब खुद होता चला गया। क्या शर्लिन, क्या हो गया? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है मेरे फोन ने किया है। मेरे फोन में मुझे एक वीडियो मिला है। तो मतलब वीडियो में क्या है? प्रूफ। प्रीता ने जब तुम्हें ट्रक के सामने धक्का दिया था, वो वीडियो मेरे फोन में रिकॉर्ड हो गया। तुम सच कह रही हो? यस। लेकिन शर्लिन, तुम सच कह रही हो? मतलब सच तो कुछ और है ना। आई मीन मेरा पैर ट्विस्ट हो गया था और मैं आगे गिर गई। उसने धक्का नहीं दिया था? रियली? ऑफ कोर्स मुझे पता है माहिरा, मैं थी वहां पर जब प्रीता ने तुम्हें धक्का दिया ही नहीं, जब कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, तो ये सारी चीजें मेरे फोन में रिकॉर्ड कैसे होगी? लेकिन माहिरा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम शर्लिन को नहीं जानती। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि प्रीता को रास्ते से हटाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। प्रीता एक बार जेल गई, जेल से बाहर आ गई, लेकिन दोबारा उसे जेल भेजने की तैयारी मैंने कर दी है। वो कैसे? इस वीडियो की मदद से। मेरे फोन में जो वीडियो था उसमें थोड़े से शॉट मुझे इधर उधर करने पड़े, थोड़ी सी एडिटिंग करवानी पड़ी। तुम्हें पता है, एक तो पूरा का पूरा सीन मुझे रीशूट करना पड़ा, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे प्रीता के खिलाफ सबूत मिल गया और वो सबूत सही जगह पर चला गया। तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा? क्या होगा? प्रीता को जेल होगी, वो फिर से जेल जाएगी और इस बार सबूत के साथ। Oh, Sherlyn, you're superb, mind blowing. Sherlyn, तुमने कमाल कर दिया, I'm so happy. माहिरा, मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी और करण की शादी करवा के रहूंगी। Thank you. Take care. बेवकूफ लड़की, अपनी खुशी के आगे इसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड किया था, क्योंकि प्लान तो बाद में फेल हुआ था ना। पहले तो प्लान के अकॉर्डिंग ये प्रीता को धक्का देने वाली थी और वीडियो मैंने इसके अगेंस्ट रिकॉर्ड किया था। एनीवेज, जब तक सब मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, मेरे फेवर में हो रहा है, तब तक सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही अच्छा है। प्रीता, प्रीता, सच्चिया मोहब्बत निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। कुछ नहीं, वो बाल गीले थे ना। तो हंसी क्यों? तुम पर सिर्फ पानी का छींटा पड़ा, लेकिन तुमने शक्ल ऐसी बनाई कि
मेरी शक्ल फनी लग रही है। नहीं नहीं वो बात नहीं है। नहीं, बात क्या है फिर? क्यों करी मेरे लिए सब कुछ? क्योंकि तुम मेरे पति हो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? मेरी इतनी फिक्र क्यों है? क्यों मेरी इतनी केयर करती हो? बात यह है कि क्योंकि मैं ऐसी ही हूं, मैं सबकी फिक्र करती हूँ, सबकी केयर करती हूँ। झूठ, फिर से झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें कोई गलत फहमी है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। क्यों मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आ रहा? क्यों मैं तुमसे नाराज नहीं हूं? तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? कई बार ऐसा होता सवाल भी तुम ही होते और जवाब भी तुम ही। प्रीता, प्रीता पुत्र, चलो चल, चलो बच्चों जल्दी चलो। मैंने ना पहली बार केक बनाया है, चक्कर देखो बताओ कैसा बना। आज 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 और मैंने आपकी कॉफी भी बनाई है। आज चलो चलो आज। बहुत विश्वास है ना तुम्हें प्रीता पे? कोई नहीं, अब जो चाल मैंने चली है ना उसकी बात तो अच्छे अच्छों का विश्वास उठ जाएगा उस प्रीता पे से। जो वीडियो मैंने पुलिस वालों को दिया है उसकी बात तो प्रीता की जिंदगी नरक बन जाएगी। अरे कानों सुनी बात पे लोग विश्वास नहीं करते लेकिन आंखों से देखी हुई चीज पे तो लोगों को विश्वास करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें और करण को पता चल जाएगा कि मैं प्रीता को अपने रास्ते से हटाने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ, क्या क्या कर सकती हूँ। मिस यू करण, कहाँ हो तुम? केक तो बहुत ही सुंदर। ए, पहले केक तो कटने दे फिर चाटती रहना। थैंक यू बहन जी, चेरीज भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, केक कैसा है वो तो खाने के बाद पता चलेगा ना। अरे वाह, वाकई जानकी आंटी बहुत खूबसूरत केक है। चंगा लगा? बहुत सुंदर। देख पुत्र, तू जेल से सही सलामत वापस आई है ना तो तेरे आने की खुशी में केक बना, इसलिए केक तू ही काटेगी। नहीं नहीं मैं नहीं काटूंगी, हमारे घर की सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हम सब साथ में, तो हम साथ में केक काटेंगे। और आपने तो पहली बार केक बनाया है तो आप तो काटेंगी ही काटेंगी। चलो सब साथ में केक काटते हैं। चलो ये बात भी ठीक है। करण आ जाओ। चल बेटा चल, चाकू उठा। अच्छा मम्मा नाइफ तो ले लो हाथ में। अरे हम सारे हाथ ऊपर रखेंगे ना दी के। चलो फोन आ गया और वहां पर मैं देखती हूँ। दो मिनट रुक जाओ बस। हाय हैंडसम, कहाँ हो तुम? हेलो करण, चुप क्यों? कहाँ हो तुम? रीता अरोरा, आपको इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।
प्रीता, प्रीता, प्रीता। माहिरा, माहिरा तुम क्या कर रही हो? इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? शोलिन, शोलिन मैं हाइपर नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे मुझे अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो शोलिन करण मेरे प्रीता से मिलने चला गया। इतना इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ कर लिया मैंने, वो प्रीता के घर पे है अभी। इंस्पेक्टर साहब, हमने अपनी बेटी की बेल करवा दी थी, लेकिन आपने कहा कि आपके पास अब ऐसे सबूत हैं कि आपने फिर से उसे गिरफ्तार कर ली। आप प्लीज बताइए ना, कोई तो तरीका होगा जिससे हम अपनी बच्ची की बेल दोबारा करा सके। अगर कोई तरीका है तो प्लीज बता दीजिए। देखिए मैडम, कानून के दायरे के बाहर जाकर के हम किसी की कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आपको देख करके ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त हेल्प की बहुत जरूरत है, तो मैं आपको एक लॉयर सजेस्ट कर सकता हूँ। वो आपकी इस केस में जरूर हेल्प करेगा। आई थिंक वही है जो आपको इस परेशानी से बाहर निकाल सकता है। लॉयर थोड़ा महंगा है। कोई बात नहीं, आप नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगी। सृष्टि नंबर ले ली। ठीक है, हवलदार मैडम को नंबर दे दो। क्या करूं? ऋषभ को फोन करता हूं। फोन उठा ऋषभ, पिक द फोन। क्या देख रही हो तुम? तूफान से पहले की खामोशी, सब कुछ कितना शांत दिख रहा है ना। राखी आंटी, आई मीन टू से मम्मी जी, जितनी स्वीटली सबसे बात कर रही है, लेकिन जैसे ही तूफान आएगा इन सबका रुख बदल जाएगा, सबका बिहेवियर बदल जाएगा। ऋषभ जी चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तोड़फोड़ करने लगेंगे, और राखी मम्मी जिनके चेहरे पे ये 1000 volt स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में सुनामी आ जाएगी। करीना आंटी, वो भी तुम्हें सुनाएंगी क्या? नहीं, वो मुझसे और भी ज्यादा स्वीटली बात करेंगे। और तुम्हें पता है करण? करण क्या करेगा? Come on, pick the phone, Rishabh. किससे बात कर रहा है? कॉल उठा। तुम बता तो सकते हैं कि वो सबूत किसने सबमिट किया था? मिसेस शर्लिन लूथरा। उनसे बात करेगा? क्या बात करेगा? मेरे बारे में बात करेगा। हाँ करण बोलो। शलिन कहाँ तुम? मैं घर पर हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो घर पर आ जाओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या क्या कह रहा था वो? गुस्से में? बहुत गुस्से में था। क्या करेगा करण? तमाशा, बहुत बड़ा ड्रामा। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड रमोना, इसी का बर्थडे है आज। हेलो, विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू फॉर कमिंग। और ये है माहिरा, करण की फियांसे, रमोना की बेटी। इनफैक्ट आप लोगों को करण और माहिरा की एंगेजमेंट में आना चाहिए था। बहुत अमेजिंग पार्टी थी, बहुत मजा आया। लेकिन मैंने तो सुना था पार्टी में पुलिस आई थी। हाँ, ऑब्वियसली लूथरास की पार्टी थी, सब जगह इट वाज रिटन अबाउट। इसीलिए कुछ चोर आ गए थे, हमें पुलिस को बुलाना पड़ा था। सगाई में तो चोर आ गए थे, मेहंदी के फंक्शन में तुम्हें पता है माता रॉबर्स आ गए थे। एक्सक्यूज मी माहिरा बेटा, एक मिनट। एक्सक्यूज अस बेटा, इन लोगों की बात पे ध्यान मत दो, लोगों की तो आदत होती है बोलना। प्लीज ये लोग जो भी बोल रहे हैं इसके बारे में कुछ सोचो मत, लेट देम बी। लेकिन आंटी, प्रीता ने तो मेरी सारी मेमोरीज खराब कर दी ना।
ऋषभ लूथरा, हंसो हंसो, जितना हंसना है हंस लो। तुम्हारी ये हंसी, ये स्माइल बस कुछ देर की है, उसके बाद तो इस घर की खुशियां, तुम्हारी हंसी सब खत्म हो जाएगा, सबका सुख चैन सब खत्म हो जाएगा। आई विश कि मैं ये सारी बातें अपने पुन्नो बेबी को बता सकती, उसे अपने प्लान में इन्वॉल्व कर सकती, लेकिन अगर उसे प्रीता के मैटर में इन्वॉल्व किया तो मेरा दिमाग खा जाएगा। हाँ मायरा बोलो। शोलिन, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम? अब तो मुझे दिख गई। डन डन, क्या हुआ और तुम इतनी टेंस्ड क्यों हो? शोलिन, अभी ना करण आया था, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्या करण? करण को मुझे यहाँ से जाना होगा, इन सब केस से दूर रहना होगा। क्यों? क्योंकि अगर करण ने मुझे इस पार्टी में पकड़ लिया तो वो सबके सामने चीखेगा, चिल्लाएगा और डिमांड करेगा कि मैं अपना फोन उसे दूं और वो वीडियो दिखाऊं। वीडियो दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी अगर ये वीडियो देखेगा ना तो उसे वीडियो एकदम रियल लगेगा, लेकिन उसके बाद करण मेरा फोन फॉरेंसिक लैब भेज देगा ये चेक करने के लिए कि वीडियो असली है या किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। तो इससे अच्छा होगा कि मैं कहीं जाकर छुप जाती हूँ, उससे नहीं मिलूंगी इस पार्टी में। ठीक है? ठीक है, गो। कहाँ जा रही हो इतनी हड़बड़ाहट में? वो दादी जी को दवाइयाँ देनी थी। हाँ ठीक है। अरे पहले भी हाथ लगाया था तो डर गई, अब फिर डर गई, क्या हो रहा है? तर दवाई लाई? हाँ ये रही, अब मैं पानी लेकर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी के लिए बोला प्लीज। शोलिन को इन सबसे दूर रखने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं? शोलिन तुम्हें हुआ क्या है? इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? समीर भाई, आपने जब मुझे बताया था कि शोलिन ने प्रीता के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की है ना, तो मुझे शॉक जरूर लगा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था भाई कि ये बात अनबिलीवेबल हो, क्योंकि शोलिन तो है ही ऐसी, नफरत करती है प्रीता से, हमेशा उसके अगेंस्ट रहती है। एनीवेज मैं एक बात के लिए बहुत खुश हूँ भाई। क्या? एटलीस्ट प्रीता जेल से तो बाहर आई, थैंक गॉड। प्रीता को पुलिस ने फिर से अरेस्ट कर लिया, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, तुम लोग खामखा मॉम टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है ना? भूल जाओगे मैंने तुम लोगों से कुछ भी कहा। भाई प्रीता जेल में? तेरे कान काम नहीं कर रहे क्या? कर रहे हैं भाई। तो फिर सुना नहीं तूने, प्रीता को फिर से अरेस्ट कर लिया, लेकिन इस बार प्रीता को मैं बाहर निकालूंगा। इसका मतलब भाई आप प्रीता की बेल करवाएंगे? मतलब अरे बिना बेल करे वो बाहर कैसे आएगी? ऋषभ ने प्रीता की बेल कराई थी ना, लेकिन पुलिस ने उसे फिर से अरेस्ट कर लिया। ये सब शर्लिन का करा धरा है, माहिरा और प्रीता को मोहरा बना के खेल रही है, लेकिन इस बार जो करूंगा मैं करूंगा। मैं अभी आई, एक मिनट। चल शपुत्र, ये तेरी वाइफ है, बहुत अच्छी लड़की है और अच्छी बहू भी है। मैं कब से ये बात कह रही हूँ, लेकिन कोई है जो मेरी बात पे बिलीव ही नहीं करता। एक मिनट पुत्र, मैं ऋषभ से बात करना चाहती हूँ। मेरी दादी को क्या हुआ है? दादी इस तरह से क्यों बात कर रही है बुआ से? कहीं शोले ने दादी से मेरी कंप्लेन तो नहीं की कि प्रीता जी की वजह से मैं उस पर गुस्सा हो गया था? करीना दी, ऋषभ एक्चुअली माहिरा सजेस्ट कर रही थी कि आज की पार्टी को थोड़ा और एंजॉयबल बनाने के लिए क्यों ना हम एक गेम खेलें? हाँ, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। या बराम, या ब्रिलियंट। ए करण इज आल्सो हियर, इसको खिलाओ ट्रूथ एंड डेयर, इसको इससे सबसे ज्यादा सच उगलवाने। आई एम श्योर वो मान जाएगा। करण शोलिन के सामने आ गया,
कहीं ये सबके सामने शर्लिन से बात ना करने लगे। नहीं नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। क्या करूं मैं? करण, माहिरा सजेस्ट कर रही थी कि पार्टी को और एंजॉयबल बनाने के लिए हम सब एक गेम खेलते हैं। अच्छी आइडिया है ना? ऑफ कोर्स। सॉरी मैम, सॉरी। शर्लिन, ड्रेस खराब हो गई है ना, तो तुम जाके ठीक कर लो। हाँ, मैं क्लीन करके आती हूँ। ऐसे करण भाई, आपको क्या लगता है ये शर्लिन ने ऋषभ भैया को फोन दिया होगा? पता नहीं यार, वो टेढ़ी खीर है वो। मुझे नहीं लगता कि उसने फोन दिया होगा। और ये भी तो नहीं पता कि उसका ऋषभ का रिलेशनशिप कैसा है। तुझे पता? मुझे ऐसा लगता है वो ऋषभ को बेबी कह के बुला रही थी। बेबी? हाँ, मैंने सुना था। क्या बात कर रहे हैं करण भाई, ऋषभ भैया तो उम्र में बड़े हैं, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। क्या बेबी बेबी? अबे रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है, हस्बैंड है उसका, कुछ भी कह के बुला सकती है अपने हस्बैंड को। अच्छा, वैसे बात तो ठीक है, जब आप प्रीता को बजर बट्टी बुला सकते हो और वो आपको बजर बट्टू, तो कोई भी किसी को कुछ भी बुला सकता है। सही बात है। एक मिनट, तुझे कैसे पता कि प्रीता मुझे बजर बट्टू बुलाती है? मैंने खुद सुना है। झूठ बोल रहा तू। है कहाँ झूठ बोल रहा भाई, मैंने खुद सुना है, देखा है सब कुछ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे? तेरे पर ज्यादा लग गया ऐसे। अभी यार बेबी यार, मिला फोन? अरे नहीं दिया यार उसने, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरे बोलने के बावजूद उसने प्रीता जी को अरेस्ट करा दिया। फड़काऊं मैं उसके ऊपर अंदर? अच्छा किया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मेरा मतलब है आप लोग चालू रखो, मैं आता हूं। तेरा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, उसको डांटा है उसने, डांटने राई का पहाड़ बना दिया। बात का पतंगड़ बनाने की आदत हो गई, उसके कपड़े पैक कर ली, बोली मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। Is this the way to behave? घर छोड़ के जा रही है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? I mean, तू रोकेगा नहीं उसे? ड्रामा कर रही है यार वो, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं जाके इससे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा तो झगड़ा और बढ़ेगा। ठीक है, तू ख्याल रख अपना, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ प्रीता से मिलने। मैं चलता हूँ तेरे से। चल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो घर छोड़ के जा रही तो घर में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि तुझे घर में होना चाहिए। बात तो करेक्ट है यार। ठीक है, तू जा, मैं बाद में जाके मिलता हूँ। और प्रीता जी को बोलना बिल्कुल भी टेंशन मत लें, हम हैं उनके साथ, उनको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, माहिरा, पूरे लूथरा परिवार को लेकर प्लीज मीटिंग रूम में आ जाओ, जल्दी। राखी आंटी, कृतिका, एक्चुअली शर्लिन मिलने के लिए बुला रही है, उसको कुछ बात करनी है। बुला रही है? सब ठीक तो है ना? मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? I'm sure, शर्लिन ने रमोना की बर्थडे के लिए कोई सरप्राइज प्लान किया, इसीलिए रूम में बुला रही है। आंटी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलिए चल के देखते हैं। Let's go. शर्लिन, क्या हुआ पिता? क्या हो रहा है शर्लिन? बोल ना पुत्र, क्या हुआ? शर्लिन कुछ तो बोलो बेटा, क्या बात हो गई? शर्लिन तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बात हो गई शर्लिन, मुझे कुछ तो बताओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शर्लिन तुम रो क्यों रही हो? करीना पुत्र, तूने इसे कुछ कहा तो नहीं जो इसे बुरा लग गया? कैसी बातें कर रही हैं आप मॉम? मैं ऐसी कोई बात क्यों कहूंगी शर्लिन से जो बात उसे बुरी लगे? शर्लिन बेटा, क्या हुआ, कुछ तो बोलो। शर्लिन बेटा, बताओ ना बात क्या है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई बेटा, कुछ तो बताओ। मम्मी जी, ये वो ज्वेलरी जो हमने बायरा के लिए खरीदी थी उसकी शादी के लिए, लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रही हो?
करीना वो ये वो झुमकी जो आपने मुंह दिखा के वक्त दी थी। शर्लिन दादी, इसमें वो खानदानी हार कड़े सब कुछ है जो आपने मुझे बहुत प्यार से दिए थे। बहुत हो गया शर्लिन, कब से पूछ रहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बस रोई जा रही है। अरे ये ज्वेलरी वापस क्यों दे रही है जो हमने तुझे दी है, बात क्या है बोल तो सही। जो गिफ्ट आपने मुझे दिए थे मैं वो सब वापस इसलिए दे दूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगे। भगवान करे जो तू सोच रही है ना वो सच हो जाए। लेकिन भूख लग रही होगी ना, पहले थोड़ी रोटी खा। और जानकी तू सृष्टि को पकड़, वरना ना मुझे प्रीता को रोटी नहीं खिलाने देगी। आज रोटी सृष्टि ने बनाई है ना माँ, तो पहलाने वाला वही खाकर बताएगी कि खाने लायक है कि नहीं। बहुत बढ़िया बनाई है, नमक भी एकदम मस्त है। जल्दी दो। देख देख कितनी भूख लग रही है ना तेरी बहन को। कोई बात सुनने को तैयार नहीं हो तुम? अरे आप लोग समझ नहीं रहे, वो शर्लिन। करण मुझे सब कुछ पता है और तुम शर्लिन के बारे में कैसी बातें कर रहे हो, नाम लेके बात कर रहे हो। पुत्र वो तुम्हारी भाभी है, भाभी के बात करो। कम ऑन मॉम, मैं ऋषभ को आज तक ऋषभ बुलाता हूँ, मैं शर्लिन को शर्लिन कह के ही बुलाऊंगा। और एक बात बताइए आपको क्या हो गया, आप पिता के खिलाफ कैसे हो गए? करण तुम आंटी को गलत समझ रहे हो, वो प्रीता के अगेंस्ट नहीं है, वो बस उसके अगेंस्ट है जिसने भी मुझे चोट पहुंचाई है, दैट्स इट। मायरा एटलीस्ट तुम तो समझने की कोशिश करो यार। करण मैं सारे गेस्ट बाहर बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, घर जाने की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं पार्टी बहुत बोरिंग हो रही है। हाँ भी मुझे लगता है हम दोनों को शर्लिन के घर जाके उसे वापस ले आना चाहिए। आप सही कह रहे हो दीदी, जब बच्चे ही हमारी बातें नहीं समझ रहे तो हम बड़ों को ही समझदारी से काम लेना होगा। ये शर्लिन नाम की प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती, कि घर में होती है तो भी प्रॉब्लम, नहीं होती है तो भी प्रॉब्लम। हाँ पुत्र, तुम दोनों जाकर ना शर्लिन को ले आओ। अरे करण की शादी की रस्में चल रही हैं, अगर घर में बड़ी बहू नहीं होगी तो लोग कितनी बातें करेंगे। जाओ पुत्र। जी मॉम, चलिए भाभी। शर्लिन ने बिल्कुल सही कहा था, वो आज ही घर छोड़कर जाएगी और ये लोग उसे आज ही लूथरा हाउस वापस ले आएंगे। किस बारे में माँ? उसने कहा ना करण आया था, उसने उससे कहा कि वो उसे जेल से बाहर निकालेगा, उसकी मदद करेगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा और प्रीता को जेल से बाहर निकाल लेगा। मुझे इस लड़के का समझ में ही नहीं आता। हाँ पुलिस जब प्रीता को ले जा रही थी तो बुत बन के खड़ा रहा, कोई मदद नहीं की हमारी, पुलिस से भी नहीं कहा कि प्रीता ने कुछ नहीं किया है, झूठ है सब। और अब यहाँ पुलिस स्टेशन में आके प्रीता से कह रहा है कि उसकी मदद करेगा, उसे जेल से बाहर निकालेगा। प्रीता सच तो कह रही है ना, उसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? पता नहीं माँ, हो सकता है, हो सकता है आप जो बोल रहे हो वो सही हो सकता है दीना हमें झूठ बोला। आप सुनाई दिया? कोशिश, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं सैमी। अरे सृष्टि ये कोई मजाक करने का टाइम है क्या? तुम्हें पता है शर्लिन ने पिता के खिलाफ पुलिस को सबूत दिया था ना, तो करण भाई उस बात पे बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन दादी और करीना बुआ ने भाई को बहुत डांटा यार। ट्रस्ट मी, करण भाई इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट, और मैं अपने भाई को जानता हूँ, कुछ भी करके प्रीता को जेल से छुड़वाएंगे। सच में ये सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। अच्छा चल तू अब इससे बात खत्म कर, मैं जाके बाहर ऑटो रोकती हूँ। हाँ हेलो सृष्टि, क्या सरला आंटी तुम्हारे साथ है क्या? ये तो उनकी आवाज है। हाँ बाबा। ओ भाई है हमारे पास, एक काम करो तुम्हारे होने वाले दामाद को उसके पत्नी के हवाले कर दो। तुम्हारे होने वाले दामाद की शादी उसकी पत्नी से करा तो फिर देखना ये जो सारी साथी लगी है ना तुम्हारी बेटी के ऊपर वो कैसे हट जाएगी। क्या मतलब है आपका? ओ बाय द वे, मेरा मतलब है आपको नूडल्स बहुत पसंद है क्या? यहाँ मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे बाल भी नूडल्स जैसे हैं। सही बोल रही हूँ ना? व्हाट नॉनसेंस, लो पकड़ो अपना फोन और बात कर लो अपनी ज्योतिष से। मुझे नहीं बात करनी है, दिमाग खराब। हेलो सृष्टि, तुमने उन्हें ऐसा क्या कह दिया
गुस्से में गई है पैर पटकते पटकते। लूथरा परिवार में से कोई ना कोई आता ही होगा मुझे लेने के लिए। वो अपनी बहू से बहुत प्यार करते हैं, ज्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रह सकते। उन्हें लगता है कि पति पत्नी के बीच में छोटा सा झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं घर छोड़ के चली गई। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं और ऋषभ एक ही घर में रहते हैं, एक ही कमरे में, लेकिन हम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता है ही नहीं। क्या मॉम, मैंने अभी जो कुछ कहा ना, आप उसे भूल जाइए, जस्ट इग्नोर। भूल जाओ? अरे ऐसे कैसे भूल जाओ, इतनी बड़ी और इतनी सीरियस बात तूने मुझे अभी तक बताया नहीं इस बारे में। मॉम, मैंने खाना खा लिया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना खा ली चले? ये लड़की भी ना पूरी पागल है, इतना बड़ा रिस्क ले लिया इसने, ऐसे घर छोड़ के आ गई, इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। क्या जरूरत थी ये सब करने की इसे, कब समझे कि पता नहीं। मैडम क्या है, मैं घर जा सकता हूँ? ठीक है जाओ तुम। अच्छा सुनो, कल सुबह देर से आना, क्योंकि शर्लिन को देर तक सोने की आदत है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि नींद में कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई आवाज हो, ठीक है? लेकिन मैडम उन्होंने तो कहा था वो कुछ घंटे के बाद अपने घर वापस चली जाएंगी, और बैग खोलने को भी मना किया, इसलिए मैंने बैग से कोई भी सामान बाहर नहीं निकाला। ठीक है, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ, एक बार बोल दिया ना, जाओ तुम। ठीक है मैम। क्यों आई है, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ऋषभ ऐसा कुछ कर सकता है। शर्लिन मेरी बेटी है, लेकिन ऋषभ पे मुझे शर्लिन से ज्यादा भरोसा है, ये बात तुम भी जानती हो ना करीना। शर्लिन ने मुझे बताया कि ऋषभ ने उससे बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत भला बुरा कहा, और यहाँ तक उसने ये भी कह दिया कि वो जितना विश्वास प्रीता पे करता है उतना ही विश्वास शर्लिन पे करता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, हाउ कैन यू इवन कंपेयर प्रीता विद शर्लिन? शर्लिन उसकी वाइफ है, प्रीता, बताइए ना राखी जी कैसे? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऋषभ ने ऐसा कुछ कहा। करीना ऐसा कैसे हेल्प कर रहा है? हाँ तो क्या हो गया, प्रीता ने भी तो हमारी हेल्प की थी, मैंने एक फोन किया था उसे जब दादी का एक्सीडेंट हुआ था, सीढ़ियों से गिरी थी, भागती चली गई थी, उसने हमारी हेल्प की, मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, दैट्स इट। हाँ तो मैं भी तो कह रहा हूँ दैट्स इट। अरे हंस लो तुम लोग, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने हमारी हेल्प की इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, दैट्स इट, देयर इज नो अदर रीजन। नो, हम कहाँ कह रहे हैं कोई और रीजन है मेरे भाई, तू इसीलिए हेल्प कर दे बस। करण प्रीता की हेल्प कर रहा है, उसे जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हम घर के बड़े तुम्हें लेने आए हैं, तो हमारे खातिर घर चलो शोलिन, प्लीज प्लीज घर चलो बेटा, वही तुम्हारा घर है बेटा, घर चलो। शोलिन बेटा, बेटा मैं मानती हूँ ऋषभ को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी तुम्हारे साथ, पर बेटा तुम ऋषभ को अच्छे से जानती हो ये सारी बातें रियलाइज करने में उसे वक्त लगेगा। तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि घर पहुँचते ही ऋषभ तुमसे सॉरी कहेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर तब तक तुम अपने मायके में रहना चाहती हो तो नहीं, मैं आपके साथ और मम्मी जी के साथ घर चलने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने करे, मैं चाहती हूँ कि आप में से कोई ऋषभ जी से बात करे, उन्हें समझाए कि एक पत्नी को अपने पति से रिस्पेक्ट चाहिए होती है। आप लोगों ने जो मुझे कहा ना कि परिवार को एक साथ रखना होता है, वही बात आपको ऋषभ जी को समझानी होगी। आपको पता है जिस तरीके से ऋषभ जी मुझसे बात करते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे उसी तरीके से बात करें। आप सोचिए एक लड़की को कैसा लगता होगा जब उसका पति उसे किसी और लड़की के साथ कंपेयर करे, और ऋषभ जी प्रीता की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी ज्यादा फिक्र करते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, क्योंकि मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है, प्रीता मायरा को हर्ट करने की कोशिश कर रही है, ये वीडियो गलती से रिकॉर्ड हो गया था मुझसे। मैं हमेशा से जानती थी कि प्रीता इसी टाइप की लड़की है। एनीवेज बेटा तुम बस हमें ये बताओ कि तुम अभी इसी वक्त घर चल रही हो ना? जी बुआ, मैं आपके लिए और मम्मी जी के लिए घर चलने के लिए रेडी हूँ। It's still not late. एक बार सोच के देखो
डैड को भी अभी तक कुछ नहीं पता, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। मॉम, मुझे डैड के बारे में बात नहीं करनी है अभी। मैं क्या बात कर रही हूँ और आप क्या बात कर रहे हो? किसी भी बात को कहीं भी ले जाते। लिसन, मायरा, मायरा, मेरी बेटी मेरी बात मान ही नहीं रही है, समझ ही नहीं रही है। इसके डैड को अभी कुछ नहीं पता, लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सब पता चल जाएगा। कब तक छिपाएंगे उनसे? जिस दिन उन्हें करण की शादी का पता चल जाएगा, उस दिन हम सबको उनका गुस्सा फेस करना होगा। और उनका गुस्सा कैसा है ये मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। अंकल, ये सिंपल केस लग रहा है। सिंपल केस है नहीं, सिंपल केस होता तो प्रीता जी बाहर होती ना, वो जेल में थोड़ी होते। देखो करण, विक्टिम और विक्टिमाइजर सब तुम्हारे अपने घर में ही है, और अगर तुम वाकई में प्रीता अरोरा को जेल से बाहर निकालना ही चाहते हो तो तुम माहिरा से केस वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहते? जब कोई केस ही नहीं होगा, प्रीता अरोरा जेल से बाहर आ जाएंगी, तो अगर तुम माहिरा से बात करो और अगर वो कंप्लेंट वापस ले लेगी तो पूरा का पूरा केस ही खत्म हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना स्ट्रेस मत लो। कल वो करण, ऋषभ, तुम्हारे डैड, ही इज नॉट फीलिंग वेल। वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। चल, बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद मैंने तुम्हारी बात समझी, सोची, तो मुझे समझ में आया कि तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। और आप दोनों बेस्ट हो। शोलिन ने जो भी किया, जो भी बोला, आप लोगों ने जरा भी उस बात को दिल पे नहीं लगाया, सीधा उसके घर गए और इतने प्यार से जाके उसको वापस ले आए। करण, ऋषभ इसे भाग के कहां जा रहे हो? की तबीयत खराब हो गई भाई। महिषी, पापा जी, महिषी। घर से जाते जाते ससुर जी को मैंने जो डोज दिया था, लगता है उसका असर शुरू हो गया है। डॉक्टर ने मुझे उसका एंटीडोट दे दिया था, जिसके बारे में मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तो बस अब मैं आपकी सांसें छीनने का प्लान बनाऊंगी, और जैसे ही आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी ना, मैं तुरंत आऊंगी और आपकी जान बचा लूंगी, और आपकी जान बचाने वाली मसीहा बन जाऊंगी। क्या प्लान है शर्लिन? वो इंजेक्शन, फिक्र मत कीजिए ससु जी, मैं जल्दी से आके आपको बचा लूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ महेश को? क्या हुआ, क्या हुआ महेश को? ये सांस क्यों नहीं ले पा रहा? डॉक्टर अभी आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, डैड को सांस लेने में डिफिकल्टी हो रही है, आप जल्दी से आ जाइए। नहीं नहीं, उनके डॉक्टर का फोन नहीं मिला। आउट ऑफ इंडिया? मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना कि पापा जी के डॉक्टर आउट ऑफ इंडिया गए हुए। नहीं, मुझे तो नहीं बताया था। मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद नहीं। प्लीज आप लोग साइड हट जाइए, थोड़ी हवा नहीं दीजिए, प्लीज हट जाइए। मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन शायद मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। जब आप लोग मंदिर गए थे और करंट प्रैक्टिस के लिए गया था, पापा जी को ऐसे ही अटैक आया था, और तब मैंने डॉक्टर को बुलाया था। आई एम सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। बस थोड़ी देर में पापा जी नॉर्मल हो जाएंगे। शर्लिन ने जो इंजेक्शन दिया भाई को, भाई अब आसानी से सांस ले पा रहे हैं। Come on, शर्लिन, इन सब ने तो अपनी खुशियां मना ली, अब तू भी अपनी खुशी सेलिब्रेट कर ले। आज तो गजब कर दिया तूने, यू जस्ट अमेजिंग। आज जो तूने ड्रामा किया है ना, उसके बाद इस घर में तो क्या, इन सबके दिलों में भी राज करेगी तू। अब बस तू देखती जा, बहुत जल्द तेरी लूथराज के दिल में एंट्री होगी और वो प्रीता की एग्जिट। लेट्स सेलिब्रेट। पर अकेले मजा नहीं आएगा, कोई पार्टनर होना चाहिए। हो, यस, है ना एक पार्टनर? उससे बेस्ट पार्टनर तो कोई मिल ही नहीं सकता, प्रीता अरोरा। तो खुद जेल में। सॉरी प्रीता, जेल में हो,
नहीं तो मैं तुम्हें भी इस पूजा में इनवाइट करती। Maybe next time. तुम जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। कांस्टेबल, जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है मुझे धक्का देने की? तुम्हें पता नहीं है आज ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। वो जो तुम मुझसे सवाल हमेशा पूछती थी, आज नहीं पूछोगी कि मेरे होने वाले बच्चे का बाप कौन है? जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा रिस्क। प्रीता नाम की मुसीबत को मेरी लाइफ से हटाने के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को रेडी हूँ, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हूँ, समझी तुम? और माहिरा, हम जब किसी के खिलाफ लड़ते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या खोएंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या पाएंगे, कैसे पाएंगे, कैसे जीतेंगे। जब बेकसूर है तो वो बाहर आ जाएगी, राइट? मैं बात करूंगा मायरा से और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे मना नहीं करेगी। जस्ट गो एंड रेस्ट। जा। भगवान जी, आप जानते हो ना, मैं अपने लिए कभी आपसे कुछ नहीं मांगता, पर कुछ भी करके ना प्रीता जी और उनकी फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लो। बहुत बहुत ही नीक लोग हैं यार, प्लीज। वो कुछ जुर्म में जेल में है जो उसने कभी किया ही, क्या करती मैं? वकील पैसे मांग रहा था और पैसों का इंतजाम इसके अलावा और कहीं से हो ही नहीं रहा था। हॉल भेजा नहीं, गिरवी रखा है ना, थोड़े फंक्शंस होंगे, पैसे जमा हो जाएंगे तो वापस करके पेपर्स वापस ले लेंगे। लेकिन प्रीता को बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस समय। यही तरीका था मेरे पास, और मेरी बच्ची, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। मॉम, आप रॉक स्टार हैं। ज्यादा मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं। प्रीता मेरी बेटी, मैं उसे जेल से बाहर निकालूंगी, कुछ भी करूंगी, चाहे वो बड़ा वकील करूं, उसे बहुत सारे पैसे दूं, लेकिन मैं प्रीता को जेल से बाहर जरूर निकालूंगी। मैं नहीं बैठ सकती हाथ पे हाथ रख, सिर्फ इस विश्वास में कि पता नहीं करण सब कुछ ठीक कर देगा। मेरी बेटी ने उस पर विश्वास किया और मुझे भी तसल्ली हो गई, लेकिन वो इस समय जेल में है। हम लोग कुछ ना कुछ तो करके उसे जेल से बाहर निकालेंगे ना, इसीलिए जो भी करना है हमें ही करना है, जो भी करना है मुझे ही करना है, बस मेरी बेटी को मुझे कि तुम अभी प्रीता का साइड ले रहे हो। आई नो दैट, लेकिन मैंने तुमसे इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया, जबकि मेरा राइट है, वो मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे पूछूं, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ ना। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी, उसने मुझे ट्रक के सामने धक्का दे दिया था। और करण, तुम कैसे बोल सकते हो कि उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हमारी शादी रुक जाए? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये सब कुछ जो भी मैंने झेला है या जो भी मेरे साथ हुआ है, सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो मुझे रास्ते से हटा गई। और तुम कह रहे हो कि उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और जस्ट इमेजिन करण, ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, और उसको हम जेल से रिहा करवा लेते हैं, फिर उसने मुझे मारने की कोशिश की। प्रीता ऐसा नहीं कर सकती है। करण, उन्हें वो कभी ऐसा करेगी?
करण, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, कल हियरिंग है केस की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ उसको फंसाने के लिए किया है। मैं उससे नफरत करती हूँ। प्लीज ऋषभ जी, आप मेरे साथ कॉफी शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तुम कॉफी बना। बहुत शौक है ना मुझ पे चिल्लाने का। अब देखना ऋषभ लूथरा, मैं जो कहूंगी तुम करोगे, करना पड़ेगा। अब इस घर पे, इस पूरे लूथरा हाउस पे सिर्फ एक इंसान का राज होगा और वो हूं मैं, शर्लिन लूथरा। पहले सिर्फ मैं अकेली थी जो लूथरा के खिलाफ थी, लेकिन अब मुझे माहिरा मिल गई है। अब वो बनेगी मेरे हाथों की कठपुतली, वो ही करेगी जो मैं चाहती हूँ, जो मैं उससे कहूंगी। वो भी क्या दिन थे जब प्रीता की वजह से कोई मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। कितना बड़ा कॉम्पिटिशन थी वो मेरी, लेकिन आज देखो, पूरे परिवार के लिए मुझसे अच्छी लड़की, शर्लिन से अच्छी लड़की तो कोई और है ही नहीं। आई एम द बेस्ट बहू इन लूथरा हाउस। क्या कहती थी वो करीना बुआ? काश तुमने मोनिशा के साथ डील क्रैक कर ली होती तो फिर आज प्रीता की जगह तुम होती। अपने डैड को नहीं बताया शादी के लिए रेडी हो गई। करीना आंटी ने पूरी मीडिया के सामने अनाउंस किया था, पूरी मीडिया ने ये एंगेजमेंट कवर करी थी, सबको पता है। और अगर अब ये शादी नहीं हुई करण, मैं क्या करूंगी? तुम्हें ये लगता ना कि अगर प्रीता जेल से बाहर आ गई तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, तुमसे शादी नहीं करूंगा? ठीक है, लेट्स मेक अ डील। अगर कल कोर्ट में तुमने ये गवाही दी कि प्रीता बेकसूर है, तुम्हारे एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मेरा साथ हमेशा दोगे? हमेशा दूंगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो कल कोर्ट में मैं बोल दूंगी, मैं ऐसा बोल दूंगी कि जो भी हुआ ना गलत फहमी थी, प्रीता ने धक्का नहीं दिया था। जाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और झूठ तो बिल्कुल मत कहना कि नहीं शर्लिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने करण को नहीं कहा। मैंने अपने कानों से सुना है कि तुमने करण से क्या कहा। ये सब क्यों कर रही हो तुम? मुझे पता है क्यों कर रही हो, क्योंकि माहिरा को शर्लिन की अब जरूरत नहीं है। माहिरा इंडिपेंडेंट हो चुकी है, उसे जो करना है करण को पाने के लिए वो करेगी। लोग सही कहते हैं, लव के लिए कुछ भी करेगा। शर्लिन इधर आओ, कामिया बैठो आराम से, काम डाउन प्लीज। ये लो पानी पियो। शर्लिन, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या कर सकती हूँ। चलो आज तुम मुझे बता ही दो कि तुम मेरे अगेंस्ट क्या कर सकती हो, मैं भी तो सुनूं। शर्लिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना तुम्हें, जरा भी क्लू नहीं है। होगा भी कैसे, तुम हमेशा अपने आप में खोई रहती हो, तुम्हें लगता है तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, इनफैक्ट तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये जो तुम्हारे दिमाग में भ्रम है ना कि तुम बॉस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ना तुमने नहीं किया है, मैंने तुमसे करवाया है। ये सारी चीजें तुमने मुझसे करवाई है? कैसे बताती हो ना, ये सारा प्लान मैंने बनाया है। क्या करती, कोई और ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास। मैं बस इतना जानती थी कि करण प्रीता को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां वो खुद आकर मुझसे ये बात बोलेगा। शर्लिन, तुम इतने सालों में भी करण को नहीं जान पाई जितना मैं कुछ ही दिनों में जान गई।
उसकी दुखती रख है प्रीता, वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। बस मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां वो आकर मुझसे बोलेगा, दैट्स इट। और ये बात सब जानते हैं, उस वीडियो को देखने में सबसे गलती हुई है। अगर उस वीडियो को ध्यान से देखो ना, तो साफ पता चलता है कि पिता ने मायरा को जानबूझ के धक्का दिया ही नहीं, और मैं प्रीता को उस गुनाह की सजा नहीं मिलने दूंगा जो उसने किया ही नहीं। तुमसे वादा किया था ना मैंने पिता, कि तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा, इसलिए मैंने मायरा के साथ वो डील क्रैक कर ली। तुम्हें जेल से बाहर निकालने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, पूरा यकीन है मुझे। मायरा वो डील मान लेगी और तुम जेल से बाहर होगी। करण लूथरा ने तुमसे प्रॉमिस किया था ना पिता उड़ा, मैं तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा क्लीन चिट के साथ। अब तुझे तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए ना, क्या हुआ तुझे, उतना उदास क्यों, क्या टेंशन में क्यों लग रहा है तू? शायद तू चुप कर यार, जस्ट हॉल्ड मी टाइट, लेट्स मेक अ डील हियर। अगर कल कोर्ट में तुमने ये गवाही दी कि प्रीता बेकसूर है, तुम्हारे एक्सीडेंट में उसका कोई हाथ नहीं है, तो आई प्रॉमिस मैं तुमसे शादी करूंगा। कल कोर्ट में मैं बोल दूंगी, मैं ऐसा बोल दूंगी कि जो भी हुआ ना गलत फहमी थी। ये करण को अचानक क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, कुछ तो हुआ है ऐसे, पर हुआ क्या है? नहीं जानकी, माँ का दिल कभी कमजोर थोड़ी ना होता है, वो तो हमेशा अपने बच्चों के लिए मजबूत ही रहती है। इतने सारे इम्तिहान दिए हैं जिंदगी में, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। सच कहूँ तो पूरा विश्वास है मुझे कि हम प्रीता को जेल से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा नहीं हुआ तो। यही सोच के थोड़ा परेशान। सरला तू क्यों फिक्र करती, कुछ गलत नहीं होगा बेटा, माता रानी की हमारे ऊपर कृपा है, सब ठीक करेंगे। पीछी मैं कल जब प्रीता से मिली ना, तो एक अजीब सी बात हुई, उसकी आंखों में मैंने करण के लिए विश्वास देखा। इसे समझाइए प्लीज समीर भाई, मैं भी नर्वस हो रही हूँ, ठीक है? आई मीन आपने जब बताया था कि मायरा कोर्ट में प्रीता को सपोर्ट करेगी, मैं बहुत खुश होती, लेकिन अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ, इसीलिए बार बार पूछ रही हूँ कि तेरी तसल्ली के चक्कर में ना हम सब स्ट्रेस्ड हैं, ओके? तो तू ऐसा कुछ मत कर जिससे हम लोग स्ट्रेस्ड हो जाएं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, तुम दोनों में से कोई भी फैमिली के सामने किसी को कुछ नहीं बताएगा कि कोर्ट में क्या होने वाला, वरना मालूम है ना यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू हो जाएगा। हाँ। और उस ड्रामे को कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है? मैं ड्रामा तो नहीं करना है ना, कम। गुड मॉर्निंग करीना बुआ। क्यों दिख रहा है? अब इससे क्या हो गया? मायरा ने इसे बोल तो दिया कि वो उसका साथ देगी, फिर इतना उदास क्यों दिख रहा है? नाउ आई गॉट इट, मायरा ने इसे बोला नहीं है, डील की है, प्रीता की आजादी के बदले इससे प्रॉमिस लिया है कि ये हमेशा मायरा का साथ देगा, उससे शादी करेगा, और कोई कितना भी कह दे इस शादी से बैकआउट नहीं करेगा। चले, मायरा कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में है, बस आती होगी। मैं देखता हूँ, कुछ तो हुआ है करण को, समझ नहीं आ रहा कि क्या, कल रात से बहुत बदला बदला सा लग रहा है, पता नहीं क्यों खोया रहता है, हुआ क्या लेकिन इसको? कि अगर इस बार करण सर ने दी का साथ नहीं दिया ना, तो वो फिर से टूट जाएगी, और इस बार अगर वो टूटी ना तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। मुझे करण सर से बात करनी होगी, और मैं करके रहूंगी करण सर से बात, मैं उनको बोल दूंगी कि अगर ऐसा है तो मेरी दी के सामने ना दिखाएं ये सब, उनको जो भी प्रॉब्लम है उनसे उनसे बात नहीं करनी है, उनसे नाराज रहना है तो रहे, लेकिन आज नहीं, आज करण सर को मेरे दी का साथ देना ही होगा। या आई अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। नो इश्यूज, चलें। तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं चलूंगी या नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे विश्वास है तुम पर। तुम कोर्ट चलो, मैं आती हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, नहीं तो तुमसे ही कहती कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। डॉक्टर? हाँ, मेरे पैर में स्वेलिंग है, दैट्स व्हाई। ओके,
तो तुम कोर्ट जाओ, मैं डायरेक्टली वहीं पे आ जाऊंगी डॉक्टर के बाद। और किसी को प्लीज मत बताना इसके बारे में, सब टेंशन लेंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ देने के लिए। I'll see you. चल चल। क्या मतलब, तू अकेला क्यों है? मायरा कहाँ है? मायरा कोर्ट पहुंच जाएगी, चल चलते हैं, देर हो रही है। लेट्स गो, कम। ओह गॉड, प्रीता के लॉयर का फोन कैसे उठाऊं? लेकिन इससे बात तो करनी पड़ेगी। ये प्रीता का केस जो हारने वाला है, अगर कार में बैठ गई तो फिर इसे बात नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं, कैसे बात करूं इससे? लेकिन मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए आपसे। तो क्या मैडम, मैं आपका काम कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है पैसे भी आप ही दोगे। शट अप, तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते, जो तोड़ो तुम्हें दे दूं? आ, 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 मिसेस शर्लिन लुथरा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मत भूलो ये स्टोन में कोई मुझसे बात नहीं करता, मैं एक लॉयर हूँ, वो भी वो लॉयर जो प्रीता का केस लड़ रहा है इस वक्त। और एक लॉयर अगर चाहे तो कोर्ट के हियरिंग के दिन केस को किसी भी तरफ पलट सकता है। राइट, ये डिसीजन बस आपका है, क्या करना है आपको? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। गुड, मैं कोर्ट के बाहर आपका इंतजार करूंगा। अगर कोर्ट के बाहर मुझे मेरे पैसे मिल जाते हैं तो समझ लीजिए प्रीता ये केस हार जाएगी। लेकिन अगर मुझे मेरी फीस नहीं मिली तो मेरे पास आपके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत है जो कोर्ट में साबित कर देंगे कि इस केस में प्रीता को आपने फंसाया है। लॉयर साहब, मैंने आपसे कहा ना कि आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे, आई प्रॉमिस। दैट्स सो मच बेटर। डील डन। डील, आप लोग फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। हेलो रोमा जी। हेलो करीना, ये एडवोकेट राकेश हैं। हेलो। ये हमारा केस लड़ रहे हैं, हमारा का केस इन्होंने नहीं लिया है। चले तो अच्छा हुआ आप लोग जल्दी आ गए, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो लोग भी आपकी फैमिली से हैं। करीना पुत्र, जाकर ले आओ उन्हें, उन्हें अपने परिवार के साथ होना चाहिए, उनके साथ नहीं। जी मॉम। आई थिंक हम सबको भी अंदर जाना चाहिए। या, लेट्स गो। चलिए चलिए भाभी। इन लोगों का वकील भी आके, लेकिन पता नहीं हमारे वकील मिस्टर शर्मा कहाँ रह गए। सृष्टि भी तो नहीं आई है। जबान संभाल कर बात कीजिए मिसेस अरोरा। जबान खोलना भी नहीं, काटती हुई सौ रखती है। काला कोट पहन के कानून का रखवाला बनते हैं। तुम्हें क्या मालूम कानून, कानून का मजाक बना के रखा हुआ है। तुमने चंद पैसों के लिए काला कोट पहन के काले कोट का मान सम्मान का अपमान किया है। बस बहुत बकवास हो गई तुम लोगों की। और तुम्हारे केस अब मैं लड़ने से तो रहा, और जिस केस को शर्मा ना बोल देता है ना, कोई दूसरा लॉयर उस केस को टच करने तक की जरूरत नहीं करता। अब मैं देखता हूँ तुम्हारे केस कौन लड़ता है। ए, चल निकल। वैसे भी अगर तू हमारा केस लड़ता तो जानबूझ के हार ही जाता ना।
हमें आपकी बकवास सर्विस नहीं चाहिए, चलो निकलो। तीन चिट के साथ मैं बस अपना प्रॉमिस निभा रहा हूं। डोंट वरी, चलें। थैंक यू। थैंक यू बेटा। कम ऑन गर्लफ्रेंड, ये सब तो मैं आपको इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूं। लगाई ये लड़की आज घर वापस नहीं जानी चाहिए, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वही होगा। आदमी कौन है? ऐसा लग रहा है मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? अरे दी, ये वही है एक्सीडेंट वाले दिन ये ट्रक चला रहा था, इसी के ट्रक के सामने माहिर आ गई थी। अच्छा, ये तुझे पक्का पता है कि यही वो ट्रक चला रहा था? मुझे 100% श्योर है दी कि यही था ट्रक में। इसका मतलब कि इसके चक्कर में ही इसे यहाँ बुलाया गया है। ये यहाँ क्या कहने आया है? क्या हो रहा है? मैंने कितनी बार मना किया है, यहाँ पर प्रीता से कोई भी बात नहीं कर सकता। जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती है तब तक ये ना तो अपने घर वालों से मिल सकती है और ना ही किसी से बात कर सकती है। मनु की बात है, मेरी तरकीब काम कर गई, अभी जाके इसको सबक सिखाती हूँ। जानकी आंटी शर्लिन के पीछे क्यों जा रही है? जाके देखती हूँ। यार मायरा अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? अगर मायरा नहीं आई तो कौन सी प्रॉब्लम होगी? नहीं वो एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया, आज मायरा यहाँ कोर्ट में प्रीता के फेवर में गवाही देने वाली है। सबके सामने खोल के रखूंगी, समझी? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ये कैसी गुंडा कर दी? और क्या? और क्या? अरे तंगिंडी, देखो ना इसके चेहरे को, इसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये हमसे बहुत डरती है। और ये बात सब जानते हैं, ये बात सब जानते हैं कि तुमने मेरे दी के लॉयर को अपने साइड कर लिया है, क्योंकि तुम डरती हो कि कहीं अगर मेरी दी जेल के बाहर आ गई तो वो एक ना एक दिन लूथरा हाउस में तो आ ही जाएगी, और अगर मेरी दी लूथरा हाउस में आ गई तो तुम्हारा उस घर से पत्ता